गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग विंदास चतुर्वेदी फैमिली यूट्यूब चैनल। गाइस, आज सुबह सुबह मैंने नाश्ते में पाव भाजी बनाई थी और आज है पापा का बर्थडे, तो हमारे यहाँ अछूता निकलता है देवी देवताओं का, तो उसमें झोरबा दही और पूरी या रोटी कुछ ही बना सकते हो, तो वो सब मैंने बनाया है। और सब्जी चलिए आपको दिखाते हैं क्या ये बनाया है। मूंग की दाल के कतरे बना के उसका झोर, चावल, सूखे आलू और ये भुजिया धोई और ये थाली परस दी है, मिठाई में मिल्क केक है। तो गाइस, ये हमारे क्या है, जैसे किसी भी लड़के का या किसी जेंट्स का किसी का भी बर्थडे होता है तो ये देवी देवता की थाली निकाली जाती है, इसमें अम्मा बापू और लट्ठा बाबा का बोला जाता है। और इसमें अभी पान और रखे जाएंगे ऐसे करके, जल फेर के नाम लिखे देवी देवता का और घर के किसी भी लड़की को खिला देते हैं। तो ये सब बनाया है और चौक पर बैठ, मतलब जिसका भी बर्थडे होता है लड़का है आदमी, चौक पर बैठते हैं तो चावल वगैरह दान किए जाते हैं। खाना बन चुका है और कुछ लोगों ने खा भी लिया है और अभी खा रहे हैं पापा। पापा कैसा बना है खाना? आज बढ़िया खाना बने हैं यार, बना। अच्छा। तो गाइस, खाना सब लोगों ने खा लिया है और अभी बज रहा है 2:35 हो रहे हैं। अभी देविका 3 बजे कोचिंग जाएगी, उससे पहले हमारे यहाँ जैसे जन्मदिन होता है जिसका, तो वो चावल दान करता है, तो वो अभी चावल दान कर रहे हैं पापा चौक पे बैठ के। और ये देविका बाबा का आरती करेगी। मैंने आंगन में चौक लगा दिया है, देखिए इसमें ये मम्मी कुछ कहना चाह रही हैं। क्या कह रही हो बताओ? सास बहू ने पान खा लिया। अच्छा, नातिन को दान करके दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस, अभी मैंने कहा चलो अब आरती कर लेती हूँ, और आरती से पहले मैंने कहा भगवान के कपड़े चेंज कर देती हूँ, आज छठी है तो छठी के लिए मैं न्यू ड्रेस लाई थी, तो अभी आप लोग को दिखाती हूँ भगवान की लड्डू गोपाल की न्यू ड्रेस। गोपाल ये वाली ड्रेस पहने थे और उनके लिए मैं लेके आई हूँ ड्रेस, ये वाली, अभी ये वाली पहनेंगे। और छोटे वाले ये पहने हैं तो वो ये वाली पहनेंगे। चलो, ये दोनों ड्रेस है, दोनों को पहना के मैं दिखाती हूँ। तो गाइस, दोनों लड्डू गोपाल ने अपने कपड़े पहन लिए, चलिए दिखाते हैं भगवान के कपड़े पहने हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, क्यूट। गाइस देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। स्काई ब्लू कलर की दोनों की ड्रेस है, मैचिंग मैचिंग इनकी भी और इनकी भी, तो ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। तो गाइस, मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर पे आज भजन है, भगवान की छठी है इसलिए। और ये अम्मा बैठी हुई है बाहर, कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है ये पप्पी? हमारे यहीं बैठा रहता है, छोटा सा प्यारा सा। कैसे पूज रहे हैं अभी आपको दिखाते हैं। कपड़े पहन लिए नए
और ये क्या बना है? हरीरा, हरीरा बन के आया है। पूरी सब्जी, कढ़ी चावल। अच्छा, कढ़ी चावल। अच्छा ठीक है, तो इसलिए इन सब भगवान को खिलाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा इसका। और ये पूरी का प्रसाद, ये सब भगवान का भोग लगेगा। गाइस छठी पूजने स्टार्ट हो गई है, ये लड्डू गोपाल की छठी पूज रही है, कृष्ण भगवान की हमारे की। और ये हमारे लड्डू गोपाल के काजल लग रहा है, देखो काजल लग गया नहीं कि अच्छो। हाँ, बहुत चलो आरती करो, आ जाओ आरती। तो गाइस हमारे मंदिर पर जसवंत नगर में विश्वेश्वर धाम कोटी कैसे मंदिर पर छठी पूजन हो रहा है, तो चलिए आपको छठी पूजन दिखाते हैं कैसा हो रहा है। तो गाइस हमारे मंदिर पर छठी पूजन चल रहा है, भगवान कृष्ण की छठी पूज रही है। मैंने जल्दी से छोले वाइट किए और टमाटर पीसे, अभी छोले भटूरे बनाने जा रही हूँ। और अभी बच्चे केक लेके आए तो केक कटिंग होगा, आप अभी केक कट करेंगे। तो अभी अभी तो फ़िलहाल मैं छोले बना रही हूँ। तो गाइस केक आ चुका है कटिंग के लिए और पापा भी आ गए हैं। तो गाइस बस थोड़ी देर में केक कटिंग होने वाला है और पापा तो बैठे हैं, आज साथ में मम्मी भी आ गई हैं, लगता है वो भी कट करेंगे। तो गाइस अम्मा भी आ गई हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस केक कटने के बाद फिर मैं छोले तो बना ही चुकी थी, मैंने भटूरे से इतना स्टार्ट किए। अभी पापा ने खाना खा लिया है, मम्मी खा रही हैं, देवांश खा रहा है, तो मैं भटूरे अभी सेक रही हूँ। छोले रेडी हो चुके हैं गाइस, भटूरा रेडी है एकदम फूला फूला। तो गाइस अभी 11:15 बज रहा है और अभी मैं फ्री हुई हूँ, आज थोड़ा लेट हो गई थी। और खाने में तो मैंने बताया था छोले भटूरे बनाए हैं, तो वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। एंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।